पश्चिम बंगाल के जिला नॉर्थ चौबीस परगना के अंतर्गत आलम बाजार बारह नगर इलाके में जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जिला नॉर्थ चौबीस परगना के अंतर्गत बारह नगर म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 30 में जमीनी विवाद को लेकर एक मामला पेश आया है। बारह नगर म्यूनिसिपैलिटी के 30 नंबर वार्ड में 301 महाराजा नंद कुमार रोड के रहने वाले सुशील कुमार जायसवाल, जो श्रमिक विकास संतन ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी पश्चिम बंगाल से नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, का कहना है कि 212 स्क्वायर फीट पर उनकी अपनी जमीन है, जिस पर ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी मौजूद है। उनका इल्जाम है कि उनके पड़ोसी, जिनका नाम प्रीनिमा शाह है, उनकी जमीन पर 1.5 फीट अंदर जाकर पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है और इस पूरे काम को प्रमोटर गणेश दास ने अंजाम दिया है। सुशील कुमार जायसवाल का यह भी कहना है कि पहले उन्होंने बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करने की कोशिश की है, लेकिन वह इसमें नाकाम हुए और उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उसके बाद 144 लागू कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि तब से उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, उन्हें फोन पर धमकियां भी दी जा रही हैं। मामला ये है कि ये ज़मीन 27 मार्च 2003 में हम इसको परचेज किए थे अपना ऑफिस का काम के लेकर के, लेकिन डैमेज था। हम लोग यूनियन का काम इसमें बैठ के करते थे, लेकिन डैमेज था, तो बात हुआ कि ये बनेगा, तो एक एग्रीमेंट बना कि ठीक है बन जाए, लेकिन एग्रीमेंट के खिलाफ कोई गणेश दास नाम का जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है या प्रमोटर है, वो विदाउट माई कंसर्न, विदाउट प्लान, ज़बरदस्ती इस ज़मीन को दखल करके और पिलर का काम कर रहा है। जब हम उसको कहा कि भाई मेरे ज़मीन में आप क्यों काम कर रहे हो, मेरा ऑफिस क्यों तोड़ रहे हो, तो बोला कि जो करना है कर लो, मैं करूँगा। तो प्रमोटर है, वो टीएमसी कार्यकर्ता है। अब एक क्या कार्यकर्ता है तो मुझे मालूम नहीं है, वो बिजनेसमैन है, प्रमोटर है या ठेकेदार है, और ज़रूर किसी राजनीतिक पार्टी का उसके माथे पर हाथ होगा, नहीं तो ये थोड़ी ना जंगल राज है जो किसी का ज़मीन में कोई किसी का ऑफिस तोड़ कर कोई अपना ज़बरदस्ती पिलर दखल कर लेगा। 1 तारीख को हमने बड़ा नगर फाड़ी में किया आपका जीडी किया, और एक 144 भी हमने लगाया है जो आपके सामने है, ये कॉपी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बावजूद भी 15-16 आदमी लेकर के बाई फोर्स ये पिलर बना रहा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अंदर में सब जबरदस्ती इनकरेज कर रहा है। अच्छा, थाना की तरफ से बोला गया है कि हम लोग इसको रोकेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशासन के ऊपर में, आईन अदालत के ऊपर में, और हम बड़ा नगर प्रशासन से अपील करेंगे कि इस तरह से गणेश जैसा प्रमोटर, गणेश जैसा ठेकेदार को विरुद्ध कार्रवाई करें। कल तो हमारे घर में भी रात को उसका कोई आदमी आया था अज्ञात, जो हमको जान से मारने का धमकी दिया, बोला कि अगर तुम काम रोकने जाओगे तो तुमको जान से मार देंगे, गोली कर देंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, जाओ कर दो। मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ जो लोग हमको जान से मारने के धमकी दिए। 144 कब लागू करवाया? 144 लागू हुआ है मेरा 5 तारीख में, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल जी जी। तो इसके बावजूद भी अभी आज काम तो स्टार्ट नहीं है, आप कह रहे हैं ना? आज वो लोग नहीं आया है, लेकिन रोज काम करता है, शायद 144 लगाने के बाद वो लोग काम हो सकता है नहीं आया है। अब मेरे ऊपर धमकी चालू है और इसका कोई साइट प्लान भी नहीं है। हम आपके माध्यम से बड़ा नगर म्यूनिसिपल को अपील करते हैं कि विदाउट साउट प्लान इस तरह का गैर कानूनी गणेश जी ठेकेदार को खिलाफ वो लोग कार्रवाई करें। ये जमीन मेरा है, पास वाली जमीन पूर्णिमा साहु का है, वो पूर्णिमा साहु के लिए दखल कर रहा है। आपने पूर्णिमा साहु से बात की कि आपने जिस प्रमोटर को हायर किया मुझे इस तरह से धमका रहा है? हाँ, उन लोगों को बोला, वो लोग बोला हम लोग बनाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। पूर्णिमा साहु है क्या, वो तृणमूल करती है? कौन पार्टी करती है मुझे जानकारी नहीं है, वो किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण होगा, नहीं तो बिना संरक्षण का कोई किसी का थोड़ी ना जमीन दखल करके बना देगा। तो जमीन की जो मालिकाना जिसके है, पास जी जी, उनसे क्या आपने कोई बातें की है? हाँ, उनसे हमने बात की, तो बोला मैंने गणेश को दे दिया है काम, गणेश जो प्रमोटर है वो जो करेगा करेगा। अब गणेश प्रमोटर कर रहा है कि हम बनाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये गणेश क्या काउंसलर या एमएलए का साथियों में से एक है? गणेश इस तरह का अवैध जमीन को गुंडा लुम्फन असामाजिक तत्वों को लेकर दखल करके इसका ही धंधा है, जमीन माफिया है। आप बोल रहे हैं कि आपको धमकाया जा रहा, हमारी ये न्यूज जब चलेगी तो आप पे और टॉर्चर होगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं और हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग गणेश जी से ठेकेदार से डरने वाले लोग नहीं है। आप आम आदमी पार्टी करते हैं? जी हाँ, मैं ट्रेड यूनियन का नेशनल कोऑर्डिनेशन का मेंबर हूँ, मेरा अशोक भाई भी नेशनल कोऑर्डिनेशन का मेंबर है, बड़ा नगर जूट मिल का यूनियन का हम प्रेसिडेंट हैं। आप एक पॉलिटिकल आदमी होने के बावजूद भी आपको इस तरह से धमकाया जा रहा है? तो यही तो बात है ना कि क्या चल रहा है बंगाल में, जंगल राज चल रहा है।
देखिए ऐसा है कि जब तक किसी राजनीतिक नेता का संरक्षण उसको नहीं प्राप्त होगा तो इस तरह से किसी का जमीन में कोई दखल करके इतना बड़ा तो काम कर नहीं लेगा। जरूर उसको पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण या किसी का माथे पर हाथ होगा, तभी तो कर रहे हैं। तो इतना हिम्मत कहाँ से आएगा करने जैसा लोग को, किसी मेरे जैसा लोग का जमीन दखल करके वो बना दें। स्थानीय काउंसलर या एमएलए से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम स्थानीय बड़ा नगर प्रशासन से एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह गणेश जैसा जो प्रमोटर ठेकेदार जो आप लोगों ने पाल रखा है उनको इस तरह से बंद करिए, आइन का शासन हो और लोगों को शांति से जीने का अधिकार दिया जाए, गैर कानूनी काम जितना भी है बंद हो। आप चूँकि एक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो इस मामले को आपने पार्टी के आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की है? हाँ, अभी तक तो मैंने अपने नेता गोपाल लाल जी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया नहीं हूं, लेकिन आज उनको मैं मेल करूंगा कि इस तरह से हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। ये किस चीज़ का ऑफिस है? ये हमारा ट्रेड यूनियन का ऑफिस है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग श्रमिक विकास संगठन का, हम लोग ट्रेड यूनियन का ऑफिस है, इसमें हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा एक ऑफिस चला रहे थे और कोई आकर के अचानक से तोड़ देता है और पुलिस कोई कार्रवाई? भैया ऐसा है कि 15-20 लोग यहाँ पर गुंडा बदमाश लोग काम करता है, हाथ में डंडा लोहा रॉड लेके गए, हम लोग मारपीट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, इसलिए हम लोग कानून के पास सरनापन हुए हैं। कि सारे पुलिस करप्ट नहीं है, उसमें कुछ अच्छे पुलिस भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और हम आपके माध्यम से बड़ा नगर प्रशासन को अपील करेंगे कि निरपेक्ष भाव से इसको कानूनी कार्रवाई करें जो कानून में है। इसका जो कीना हुआ है मोटा मोटी नॉर्मल देखिए 1.5 फुट भीतर दुख गया है। आया बोलने के लिए, बोला हम करेंगे, जो करना है कर लो, सुनने वाला कोई है ही नहीं। बेड आउट बिल्डिंग प्लान, बेड आउट सेक्शन प्लान सब दखल करके बना रहा है। उसमें TMC कार्यकर्ता रहे या नहीं रहे, संरक्षण तो होगा इनका, बिना संरक्षण के तो इनलीगल बनेगा नहीं। हम तो ये बोलना चाहेंगे प्रशासन इनको इंक्वायरी करे और जो कर रहा है उसको अरेस्ट करे। आपको लगता है कि प्रशासन तत्पर होगी काम करेगी? देखिए ये तो लगता नहीं है, मगर फिर भी चेष्टा करेंगे कि करें, कानून आशा तो करेंगे, कानून पर भरोसा।